हम जिस संसार में जीते हैं, इस संसार में अनेक प्रकार की स्थितियां होती हैं। प्रायः हमसे ये कहा जाता है कि ये संसार दुखमय है, और जब कभी भी दुखमय संसार के स्वरूप का चित्रण हम सबके समक्ष प्रकट होता है तो कई बार मन में ऐसा लगता है कि कैसे इस संसार से छुटकारा मिले। कई लोगों के हृदय में संसार से मुक्ति का भाव प्रकट होता है तो कईयों के हृदय में संसार से बहुत घबराहट भी होने लगती है। संसार के स्वरूप का चिंतन करने से और संसार की स्थितियों को भोगने से दोनों प्रकार की परिणतियाँ होती हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रायः लोग इसी संसार में रमे रहते हैं, उसी में रत रहने की चेष्टा करते हैं। संत कहते हैं, अगर अपने जीवन का वास्तविक उत्थान करना चाहते हो तो संसार को निकटता से देखने की कोशिश करो और अपने हृदय में जागरूकता लाने की कोशिश करो। ये बिल्कुल सत्य है कि ये संसार दुखमय है। संसार दुखमय है और दुख के अतिरिक्त इस संसार में कुछ है भी नहीं। फिर क्या करो, चलो इस संसार से भाग चले। भाग कर कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? संसार से भाग करके तुम कहाँ जाओगे? कदाचित बाहर के संसार से भाग भी जाओ, भीतर के संसार से थोड़ी भाग पाओगे, वो तो तुम्हारे भीतर का है। और जब तक तुम में संसार है तुम दुखी बने रहोगे। संसार में रहते हुए अगर सुखी बनना चाहते हो तो बस एक बात को आत्मसात कर लो, तुम संसार में रहो, तुम में संसार न रहे। तुम संसार में रहो, तुम में संसार न रहे। संसार में रहना और अपने अंदर संसार को रखना, दोनों में बड़ा अंतर है। आज बात मैं इसी संदर्भ में करना चाह रहा हूँ। 16 कारण भावनाओं में आज पांचवी भावना है अभीक्ष्ण संवेग। कल हमने ज्ञान की चर्चा की, सतत ज्ञान का अभ्यास, पर कोरा ज्ञान काम नहीं करता। ज्ञान के साथ वैराग्य भी होना चाहिए, जिसे संवेग शब्द से यहाँ पर प्रकट किया गया है। संवेग का मतलब क्या?
संसारात भीरुता संवेग, संसार से डर का नाम संवेग है और वो निरंतर अभिक्षण। महाराज आप तो अक्सर निडर और निर्भीक होकर जीने की बात करते हैं और अभी आप कह रहे संसार से डरना, तो निर्भीकता और निडरता एक तरफ और ये डर भी एक तरफ। तो मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, बात संसार से डरने की है, संसार में डरने की नहीं। बात को समझिए, संसार में डर के मत रहो पर संसार से हमेशा डरे रहो। बात समझ में आ रही है? संसार में डरना और संसार से डरना। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं जो डरते हैं। डर जिनके अंतर की दुर्बलता बनी हुई है और जिनके अंदर की दुर्बलता है, जो डर के जीते हैं वो जीते जी मरे हुए जैसे होते हैं, क्योंकि भय हमारे भीतर का एक नकारात्मक संवेग है जो हमें अंदर से तोड़ता है, हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है, अनेक प्रकार की नकारात्मकताओं से ग्रसित करता है और हमारी सारी प्रगति को अवरुद्ध कर देता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि संसार में डरने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन संसार से डरना बहुत जरूरी है। संसार में डर यानी बाहरी संसार से डर, और संसार से डर यानी भीतर के संसार से डर। बाहर के संसार को हम नहीं बदल सकते, वो है ही भयावह, वहां डरने की कोई जरूरत नहीं, ये प्रकृति की व्यवस्था है। और इस संसार में चाहे कितना भी भूचाल आ जाए, मेरा कुछ भी न बनने वाला है न बिगड़ने वाला है, कि वो तो एक संयोग है जो बनते बदलते रहते हैं, उनसे मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस संसार में सुख हो दुख हो, संयोग हो वियोग हो, हानि हो लाभ हो और जय हो पराजय हो, ये सब बाहर की चीजें हैं, मेरी नहीं है। ये ऊपर का परिवर्तन है, भीतर का कुछ भी नहीं। ये सब कुछ होने के बाद भी मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा विश्वास रखने वाला कभी संसार में डरता नहीं, वो डर कर नहीं जीता, डट कर जीता है। डट कर जियो, डर कर नहीं। लेकिन एक भीतर का संसार है जिसे हमने बनाया है, वहां डरने की जरूरत है। वो हमसे निर्मित संसार है जिसे हमने अपने प्रवृत्तियों से बनाया है, वो हमारे पाप का संसार है, उससे बचो। जो हमारी चेतना को मलिन बनाए, जो हमारी आत्मा को पतित करे, जो हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को खोखला बना दे, ऐसे पाप दोष दुष्प्रवृत्ति और दुर्गुण से बचने का नाम ही संवेग है। भीतर के संसार से बचो।
उससे डरो, और उस डर का नाम संवेग है। महाराज हमें तो संसार से बहुत डर लगता है, भाग जाओ, भागने से कुछ नहीं होगा। चार बातें आज आपसे कहूंगा। भागना, भोगना, जागना, त्यागना। क्या बोला? भागना, भोगना, जागना और त्यागना। भागना बड़ा सरल है, बहुत से लोग भागने के लिए तत्पर रहते हैं, बल्कि ज्यादातर भगोड़े हैं, पलायनवादी, परिस्थितियों से घबराए और भाग गए। भाग के जाओगे कहां? तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई है वह तुम्हारे अपने कृत्यों का प्रतिबिंब है। तुम्हारे जीवन में जुड़े हुए शुभाशुभ के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं ये संयोग, और इस संयोगों को जन्म देने वाला है कर्म, जो तुम्हारी प्रवृत्तियों का परिणाम है। भागोगे कहां? भागोगे परिस्थितियों से, भागकर कहीं भी चले जाओ, चीजें भले बदल जाएगी पर कर्म तो तुम्हारा पीछा करेंगे, वे परछाई की तरह तुम्हारे पीछे चलने वाले हैं। भागने से जीवन कभी नहीं बदल सकता, भागने से जीवन कभी नहीं बदल सकता। जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, जीवन में जो भी मुश्किलें हैं, जीवन में जो भी दुख है, उसका सामना करोगे तो सुखी रहोगे, और भागोगे तो और गहराएंगे। भागना समाधान नहीं। मैं ब्रह्मचारी था, खुरई में प्रवास था, गुरुदेव के सानिध्य में वाचना चल रही थी। वहां बंदरों का बड़ा आतंक है। मैं अपनी धोती जो सूख रही थी धूप में उसे उठाने के लिए गया छत पर, सामने से एक बड़ा कद्दावर बंदर आया। अब बंदर आया तो मुझे देखकर भपकी देना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा डरा, और जब मैं डरा तो भागने लगा कि बंदर मुझ पर अटैक न कर दे, अभी अटैक करेगा तो अभी कठिनाई होगी। मैं भागने लगा तभी माली ने मुझे देख लिया, और माली ने दूर से आवाज देते हुए कहा, त्यागी जी भागिए मत। उस समय ब्रह्मचारी लोग त्यागी जी कहलाते थे, अब भैया जी हो गए। उस समय में हम लोगों को सब त्यागी जी बोलते थे। तो कहा, त्यागी जी भागिए मत। उनकी बात सुनकर के मैं रुका, और जैसे ही बंदर ने माली को देखा, उसके हाथ में लठ था, बंदर दुम दबा के भागा, क्योंकि माली का रोज का प्रैक्टिस था। जैसे ही माली को देखा, बंदर दुम दबा के भागा, और बाद में माली ने कहा कि त्यागी जी, ये बंदरों से भागोगे तो हमला करेंगे, और सामना करोगे तो भाग जाएंगे। माली ने ये वाक्य कहा और वो बात वहां खत्म हो गई, लेकिन मेरे हृदय में ये बात बहुत गहरे बैठ गई कि परिस्थिति का बंदर जब भी भपकी दे तो भागिए मत, सामना कीजिए। भागिए मत, जागिए, सामना कीजिए। भागोगे परेशान होगे, इसलिए भागना भी नहीं। तो क्या करें? परिस्थितियां उल्टी है, परेशानी है, तो भोगते रहे। कब तक भोगे? कष्ट है, दुख है, मुश्किल है, परेशानी है, भोगे कब तक? भोगे
दो स्थितियां हैं, या तो सब छोड़ छाड़ के भाग जाओ, कई लोग तो इतने हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि आत्महत्या तक करके बैठ जाते हैं, यही सोचते सुसाइड कर लेना ही जीवन का समाधान है, ये भागना है, ये कुपरिणाम है। भागना नहीं, ठीक है भाग नहीं सकते भैया आप, ठीक है भोगो का करे, मल मार के बैठ जाओ और भोगते रहो। कहते ये बात भी ठीक नहीं है, भोगने से क्या होगा, हमें भोगना नहीं है, कोशिश करो, देखो मेरे सामने कौन सी परिस्थिति निर्मित हुई, इसका हल क्या है, निदान क्या है, रास्ता क्या है, क्या इन्हें बदला जा सकता है, और यदि इन्हें बदला जा सकता है तो बदलने की यथासंभव कोशिश की जाए, यदि बदला जा सकता है तो बदलने की कोशिश की जाए, और इन्हें ना बदला जाए तो भोगना नहीं है, इनके प्रति जागना है। भोगने का मतलब है परिस्थितियों के आगे आत्मसमर्पण कर देना और लाचार बेबस सी जिंदगी जीना। भागना पलायन है, भोगना बेबसी। जीवन में न तो पलायन अच्छा है न बेबसी अच्छी है, दोनों नकारात्मकता है जो हमें अंदर से तोड़ती है। दोनों से बचिए, दोनों से बाहर निकलिए। क्या करें, जागना है, जागना है। जागने का मतलब जो भी सिचुएशंस बनी है, जो भी परिस्थितियां हैं निर्मित हुई है, इससे मेरा कम से कम नुकसान किस में हो, ये दृष्टि विकसित करना, और इस परिस्थिति को कैसे पलटा जाए ये प्रयास जारी रखना, इसका नाम है जागना। परिस्थिति निर्मित हुई है, कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं किस वजह से हुई है, ठीक हुई है, उसे पलटने की कोशिश करें, और कदाचित ऐसा नहीं भी है तो मैं ये चीजें मेरे लिए कम से कम नुकसान दे, अगर हम देखें तो ये जो भी चीजें निर्मित हुई है ये मेरे कर्मों के कारण हुई है। किसके कारण हुई है, जीवन में जो भी परेशानियां है, कष्ट है, दुख है, मुश्किलें हैं, इसका जन्मदाता कौन है, मेरा अशुभ कर्म। कौन है, अशुभ कर्म। बाहर के लिए जिनके लिए मैं उंगली उठाता हूं वो तो बाहरी निमित्त है, वो बन करके आया है, इसकी जड़ में कौन है, मेरा अपना कर्म। अब भागूंगा तो वो तो मुझ पर हमलावर होगा, अब भोगूंगा तो वो मुझे पस्त करेगा, तो अब क्या करना है, इस कर्म को भोगना नहीं है, कर्म को काटना है। क्या है, कर्म को काटना है। एक जागृत आत्मा और एक सुप्त आत्मा में इतना ही अंतर है, सुप्त आत्मा कर्म को भोगता है और जागृत आत्मा कर्म को काटता है। कर्म को भोगने में और कर्म को काटने में क्या अंतर है, कर्म के उदय में आकुल व्याकुल होते रहना, आंसू बहाते हुए विपरीत परिस्थितियों को जीना कर्म को भोगना है। तुम्हारे जीवन में कोई मुश्किल कठिनाई परेशानी आए और रो धो के उन्हें भोगो तो कर्म को भोगना है, और कर्म को भोगने में
कर्म की मार पड़ती है और कर्म अपनी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए नए नए बारिश उत्पन्न करता रहता है, उसकी संतति बनते रहती है। एक कर्म को भोगते हैं, हजार कर्म उसके साथ और बंधते रहते हैं, है ना? आकुलता कर्म को बांधने वाला है। तो रो धो के कर्मोदय को भोगना भोगने जैसा है। कर्म को भोगो मत, कर्म को काटो। काटना क्या है? तो कर्म को काटने का एक अस्त्र है। आजकल फसल खड़ी होती है तो पहले तो हसिया से काटा जाता था, तो धीरे धीरे कटता था। अब तो बड़े बड़े हार्वेस्टर आ गए, घंटों में एकड़ों की खेती कट के साफ हो जाती होती है ना। तो भैया, कर्मों की हार्वेस्टिंग करना चाहते हो? चाहते हो कि नहीं? उसका सीधा सा कला, सीधा सा उसकी सीधी सी कला क्या है? कर्म को काटने के लिए कुछ मत कीजिए, केवल कर्मोदय में समता रखने की कला सीख लीजिए। कर्म का उदय होगा, आकुलता रखोगे, राग द्वेष करोगे, कर्म की मार पड़ेगी, नए कर्म का बंद होगा, तुम इस संसार में और उलझ जाओगे। और कर्म का कितना भी तीव्रोदय हो, ये मान करके कर्मोदय है, अल्पकालिक प्रहार है, चला जाएगा। जो भी कर्म का खेल है ये बाहर का खेल है, भीतर कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए मुझे इससे डरना नहीं है, डटकर समता से सामना करना है। ये कला अपने अंदर विकसित कर लो, कर्म की जड़ उखड़ जाएगी। इसको बोलते हैं जागना। क्या? जागना। थोड़ा सा हम पुराणों में जाएं, अंजना के जीवन को लो। अंजना के जीवन में कितने तीव्र कर्म का उदय आया। विवाह हुआ, खेल कर्म का कैसा है देखो। विवाह हुआ, सुयोग्य वर मिला, लेकिन बाहर एक कर्म बिना गलती के गलत फहमी पैदा कर दिया। 22 वर्षों तक पति ने कभी अपनी पत्नी को देखा तक नहीं। क्या की अंजना? किसी से शिकायत की? कहीं फरियाद की? परिवार न्यायालय में गई? डाइवोर्स का केस बनाया? आज की अंजना होती तो क्या करती? बोलो बोलो। हाँ, सबसे पहले कोई वकील से सलाह लेती कि आप तो ये बताओ कि डाइवोर्स का केस कैसे बने और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी कैसे मिले। और तेज होती तो दूसरों के साथ निपट गई होती। अंजना ने क्या किया? समता रखी। वो भागी नहीं, भोगी, भोगी भी नहीं। भोगना तप कहलाता, जब वह फरियादी बनकर चाहे जिसके पास गुहार लगाती, आर जो मिन्नत करती। ऐसा तो उसने नहीं किया, उसने क्या किया? समता, धैर्य, संयम और संतोष का परिचय दिया। किसी का कोई दोष नहीं,
मेरा कर्मोदय है, कोई बात नहीं, बाहर से पति का साथ न मिले तो क्या फर्क पड़ता है, पति तो मेरे हृदयेश्वर है, वे मेरे परमेश्वर है, मेरे हृदय में विराजमान है, और जब तक मेरे पति मेरे हृदय में है मुझसे कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। कितना समर्पण पूर्ण आदर्श था। हम अगर उनके चरित्र को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अंजना बड़ी दुखियारी रही होगी, पर उसके जीवन दर्शन में झांकते हैं तो लगता है अंजना बड़ी वीरांगना थी, बड़ा पराक्रम था उसके व्यक्तित्व में। ये आदर्श आना चाहिए, फिर देखो खेल। 22 वर्ष बाद पति का मन बदला, आया, प्रिय मिला, प्रिय से मिलन भी हो गया, एक पल के लिए दोनों को सुख भी मिला। 22 वर्षों के बिछोह के बाद जिसे प्रत्यक्ष सानिध्य मिला हो अपने पति का, उसका प्यार मिला हो, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन वही विपत्ति का कारण भी बन गया, पुण्य ने मिलाया और पाप ने हिलाया, पुण्य ने मिलाया पाप ने हिलाया, पुण्य के साथ सीधे पाप आया, पेट में तद्भव मोक्षगामी कामदेव हनुमान है, और उसकी माँ को लांछित किया जा रहा है। कहानी आप सबको पता है, पवनंजय गुप्त रूप से आए थे, माँ बाप को पता नहीं, और कोई ये बात मानने को राजी नहीं कि ये पवनंजय का पुत्र हो सकता है, इसके पेट में पलने वाली संतान पवनंजय की हो सकती है। उसके सतीत्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया। 22 वर्षों तक जिसने पवित्रता से अपना जीवन बिताया और जिसकी पवित्रता असंदिग्ध थी, उस पर भी संदेह उत्पन्न करा दिया। किसने? कर्म ने, पाप ने। अपने पति की मुद्रिका अंगूठी दिखा रही है कि ये है इसका प्रमाण, पर उस पर भी किसी को भरोसा नहीं। गांठ में बांध कर रख लेना, जब पाप कर्म का उदय होता है तो मित्र भी अरी बन जाता है, कोई काम नहीं करता। कैसा विचित्र खेल, कैसा विचित्र खेल। मामले की छानबीन करने का भी धैर्य किसी को नहीं रहा। ठीक है, थोड़े दिन में पवनंजय आ जाएंगे, तब तक इसको घर पे ही रखो, गुप्त रूप से रखो, इसके पेट में बच्चा है, जो भी बच्चा है सही है गलत है, हमारी कुल की वधू है, उस बच्चे को तो जन्म लेने का अधिकार दिया जाए। यदि कुछ किया भी है, इसने उल्टापन भी किया, तो दोष इसका होगा, पेट में पलने वाले संतान का तो नहीं। ऐसी सकारात्मक बुद्धि किसी के हृदय में नहीं आई। उसके 22 वर्षों के चरित्र को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जब कर्म विपरीत होता है तो सबकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। किसी ने नहीं देखा, उसे उल्टा घोषित करके घर से निकाल दिया गया। कल्पना करो क्या हो रहा होगा उस क्षण, कैसा बीत रहा होगा अंजना के लिए। लेकिन अंजना भी धन्य थी, उसने कहा ठीक, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे पता है अकर्म ये खेल खिला रहा है, मुझे स्वीकार है, भाग के जाऊंगी कहाँ, पेट में बच्चा है, बच्चा नहीं मेरे कलेजे का टुकड़ा है और मेरी पति की निशानी है, इसे जन्म मैं दूंगी, जन्म दूंगी और बड़ी स्थिरता से दूंगी, दृढ़ता से दूंगी, मुझे कुछ नहीं करना। चलो, पति के घर से निकाल दिया गया, पिता के घर चलूं, पिता के द्वार भी बंद हो गए,
बाहर एक खेल, चलो अब कहाँ जाऊं, चल कर्म तू जो खेल खिलाना चाहता है मैं खेलने को तैयार हूं, पर तय है मैं ही जीतूंगी, तू नहीं जीत सकता। मैं जीतूंगी, मुझे जीतना है, यह जज्बात जिसके अंदर होता है वही जागृत कहलाता है और वही कर्म को उखाड़ता है। चले गई निर्जन मन में, पद्म पुराण पढ़िए, वीरेंद्र कुमार की पुस्तक है एक और मुक्तिदूत, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित, आप पढ़िए उसको, बहुत जोरदार उपन्यास। वो जंगल में चले गई, पूरे गर्भकाल तक लगभग 9 मास तक वह जंगल में रही और एक गुफा में उसने प्रसूति दी और तद्भव मोक्षगामी कामदेव हनुमान को उसने जन्म दिया। 9 महीने तक उल्टा और जन्म लेते ही पासा पलट गया, फिर उसको सब संयोग मिल गए। कहानी में मैं आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बात पूरी करनी है, ये केवल किस लिए बता रहा हूँ, ये जागरूकता का प्रतीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, अंजना भागी, बोलो अंजना भोगी, अंजना ने क्या किया, अंजना जागी, भागिए मत भोगिए मत जागिए। सूत्र अपने जीवन में आत्मसात कर लीजिए, मुझे भागना नहीं, मुझे भोगना नहीं, मुझे जागना है, और जब तक संसार में जी रहा हूं जागते हुए जी रहा हूं, जागते हुए जीना है, और जब तक सांसारिक दायित्व है जागृति के साथ तुझे निभाना है, और जिस दिन यह दायित्व पूरा हो जाएगा सांसारिकता को त्याग देना है। जब तक गृहस्थी में रहो भागो मत भोगो मत, जाग कर जियो। त्याग तो तुम्हारा अंत है, जब त्यागना होगा तब त्यागना, लेकिन जब तक त्याग की भूमिका में न पहुंच पाओ तब तक जागने की कला तो विकसित कर लो। और ध्यान रखना, जागने से जाग कर त्यागना ही सही त्याग होता है। अंदर की जागृति के अभाव में किया गया त्याग केवल ऊपरी त्याग होता है, उसका भीतर से कोई संबंध नहीं होता। और ऐसे लोग त्याग का आनंद भी नहीं ले पाते क्योंकि बाहर से त्याग है भीतर से राग। जागिए फिर त्यागिए, जाग कर जिए। इस संसार को एक सपने की तरह देखिए और जाग कर जीना सीखिए। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है, उतनी देर जाग कर जी लो जब तक अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जागो। भरत चक्रवर्ती के विषय में जब ये कहा गया कि इच्छाई सम्यक दृष्टि है, इतना बड़ा चक्रवर्ती, 96,000 रानियां और उसके बाद छाई सम्यक दृष्टि, एक जिज्ञासु के मन में बड़ा कुतूहल जागा कि 96,000 रानियों के बीच ये छाई सम्यक दृष्टि कैसे बना, मैं तो एक को नहीं झेल पा रहा।
ये 96,000 के बीच कैसे पहुंच गया आप चक्रवर्ती के पास? और कहा, महाराज मैं रहस्य जानना चाहता हूं, आप छाई समय दृष्टि और इन 96,000 के बीच कैसे? चक्रवर्ती ने कहा, तेरे सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, तो एक काम कर, आज मैं अनुमति देता हूं, मेरे रणवास का एक चक्कर लगा के आ, देख ले कौन कौन सी है, कैसी कैसी है। मन में खुशी हुई कि चक्रवर्ती के रणवास में तो अच्छे अच्छे का प्रवेश नहीं, आज मेरा सौभाग्य है कि रणवास जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, चक्रवर्ती ने कड़कते हुए कहा, ठहरो, अब तो सांप सा सूं गया। अब चक्रवर्ती की आवाज और इतनी कड़क आवाज, हवा तो सबकी खिसकती, किसी के बाबूजी अगर थोड़े जोर से बोल दे तो हवा खिसकती। तो अब क्या है, अब रुक गया बेचारा। चक्रवर्ती ने उसके हाथ में एक दीपक थमवाया, जलता हुआ दीप, और चार तलवारधारी उसके चारों तरफ खड़े कर दिए और कहा, जाओ तुम इस दीप के प्रकाश में पूरे रणवास का अवलोकन करके आना, पर एक बात ध्यान रखना, पूरे रास्ते में न तो एक बूंद तेल छलकनी चाहिए न ही दीप बुझना चाहिए। तेल के छलकते ही तलवारधारी तुम्हारी गर्दन को नीचे छलका ढुलका देंगे, और यदि दीप बुझा तो उसी क्षण तुम्हारा जीवन दीप भी बुझ जाएगा। घबरा उठा, बुरा फंसा, पर अब क्या करे, चक्रवर्ती से पाला पड़ा था, कुछ कह नहीं सकता। घूम के आया, जैसे ही चक्रवर्ती के दरबार में आया, इससे पहले कि वो कुछ कहे, चक्रवर्ती ने पूछा, क्या क्या देख कर आए? बोले, हजूर पूरे रास्ते ये दिया और तलवार के अलावा कुछ नहीं दिखा, पूरे रास्ते ये दिया और तलवार के अलावा कुछ नहीं दिखा। तो चक्रवर्ती ने रहस्य का उद्भेदन करते हुए कहा कि भाई यही है मेरे जीवन का रहस्य, तुम्हें दिखता है मेरा चक्रवर्तित्व का ठाट, तुम्हें दिखते हैं मेरे रत्न, तुम्हें दिखाई देती है मेरी निधियाँ, तुम्हारी नज़रों में झूलती है 96,000 रानियाँ, पर मेरी आँखों में हर पल दिखती है मेरी मौत। मेरी आँखों में हर पल दिखती है मौत, क्या पता कब कौन सी सांस मेरे जीवन की आखिरी सांस बन जाए, इसलिए मैं हर पल यही समझता हूँ ये बाहर के सारे संयोग नश्वर है, क्षणभंगुर है, मेरे भीतर का जो तत्व आत्म तत्व है वही शाश्वत है। इसलिए मुझे अगर रति करनी है तो उस आत्मा से करनी है, मैं आत्म रति की इच्छा करता हूँ, बाकी सबसे व्यर्थ रखता हूँ, यही मेरे जीवन की जागरूकता का आधार है।